जी रोजे की वजह से ना आपके हाथों में जान ही नहीं रही। बदमाश, ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरा सिर नहीं दबा रहे बल्कि आप गुदगुदियां कर रही हैं। माँ जी ये रमजान कितने सुकून से गुजर रहा है, आपके भी रोजे पूरे हो गए, मेरे भी, ना कोई फिक्र ना कोई फाका। अल्लाह ताला का बड़ा करम है पुत्र। माँ जी फाके से याद आया, ये जो हमारा अजफर है ना, ये सहरी करता है और सो जाता है, ना नमाज ना कोई इबादत, और ऐन अफ्तारी के वक्त उठता है। माँ जी इसका रोजा हो जाता है? मुझे क्या पता पुत्र, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, उसकी मर्जी वो जिसकी इबादत कबूल कर ले। हाँ माँ जी ये आपने 1,00,000 रुपए की बात की है। माँ जी निकाले 200 रुपए। क्यों माँ जी, इतनी देर से मैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मेरे 200 रुपए तो बनते हैं ना। अरे भूत तेरा, चलो कुरान पढ़। माँ जी आपने इस रमजान में कितने कुरान खत्म किए? उधर मैं कभी गिनती करके इबादत नहीं करती, मैं जितना पढ़ती हूँ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो कबूल करे। माँ जी मैंने ना 1 कुरान पूरा खत्म कर लिया। शाबाश पुत्र, अब समझ के पढ़। माँ जी मुझे अरबी नहीं आती। ओहो, अरबी के साथ उर्दू का तर्जमा भी होता है, बस कुरान शरीफ जो है ना उससे समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है माँ जी मैं पढ़ लूंगा। माँ जी इस वक्त मैं टीवी देख लूँ। तेरा निकल यहाँ से। माँ जी जब सीन शुरू होता है तो आप कुछ और होती है, जब खत्म हो रहा होता है तो अजीब ही हो जाती। ये क्या बदतमीजी है? तुम इसे कहते हो बदतमीजी, मैं इसे रिमोट कहता हूँ। ये जो आपने हरकत की ये बदतमीजी है, आपने मेरे हाथ से रिमोट छीना है। हाँ छीन लिया, इसलिए कि ये टीवी मेरा है। एक तो आपने इतनी गैर मुहज्जब हरकत की, इतने सालों से आप शहर में रह रहे हैं लेकिन रहे वही पेंडू के पेंडू। तुमने मुझे पेंडू कहा? हाँ कहा, सोबर कहूंगा। वाह अजफर वाह, तुमने मुझे पेंडू कह के ना पिंड की याद दिला दी, बल्कि पिंडी की याद दिला दी। और देखो कौन आया। मैं नहीं देखा। आंखें बंद करके दरवाजा खोल लेना, फिर वो तुम्हें देख लेगा। इस सब मुझे आप पे शदीद गुस्सा आ रहा है। ना ना अजफर ना, गुस्सा हराम है और रोजा रख के ना गुस्सा नहीं करते। और जा देख कौन आया है। आपको कैसे पता कोई आया? हो सकता है कोई आई हो। फिर मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठे मैं जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ पिशाना के नहीं पिशाना। हाँ तुम तो वही हो ना जो रात को 2 बजे हमें सहरी के लिए ढोल बजा के जगाता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, हम तो 2 बजे सोते हैं और तुम हमें फौरन उठा देते हैं। ओए तूने मुझे ढोल बजाने वाला ही समझ लिया है? हाँ इसका मतलब है तूने मुझे नहीं पिछाना। लो जी पहलवान नु सारी दुनिया जानती है, नहीं पछाणदे ते अपने रिश्तेदार नहीं पछाणदे। लो जी जिंदगी च पहली दफा फीका पहलवान अपना तारफ आप करा लगे बकलम खुद। आपका नाम फीका है? इहदा मतलब है कि तू मेरा नाम पहले भी सुनया है? पहली दफा सुना ये नाम मैंने। और जवेद भट्ट दा नाम सुने जी? अद्धा तारफ ते हो गया। ओ गुजराला वेख्या ही? जी नहीं। ओ ना ते सुनया होएगा ना? जी। लो जी पूरा तारफ हो गया, बल्कि तारफ दा मसला ते हल हो गया। चल पिछे आटो मनु अंदर आंदे। नहीं। ओ बड़ा ही ठीठ आदमी है भाई, तू है कौन? मैं जो भी हूँ आपने किसे मिलना है? ओए मैं तारफ कराया जवेद भट्ट गुजरा वाला। देखिए जावेद भट्ट तो इस दुनिया में रहे नहीं, और हर कोई जो गुजरा वाला से आता है उसको मैं याद तो नहीं आने दे सकता ना। ओए 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 तू अशरफ का मुलाजम है ना? नहीं। ओवे ओवे मैं मेहमान हाँ, जे मेहमान नाल ज्यादा बदतमीजी की ना तो मैं नौकरी तो कटा देगा। पीछे हो रहा दे। मैं हर किसी अरे गहरे को तो अंदर जाने नहीं दे सकता। ओए 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 तू फीके पहलवान नु हैरा गहरा ही कहता है। चल पड़ा हो रहा दे, नहीं तो फीके नु राह बना दे बड़े तरीके आंदे नी। क्या मतलब है तुम्हारा? ओए दड़ा ओए। अरे भाईजान भाईजान, ओए पछानिया के नहीं पछानिया? नहीं ऊपर मैं तेनू पछानिया अशरफ भट्ट। यार ये खलाई मखलूक कहां से पकड़ लाए? खलाई मखलूक मैनू खलाई मखलूक ही कहता ही, उन्हें पता लगदा अशरफ सिरी पाए। अशरफ सिरी पाए? ओ मैं दसना जदों ए छोटा जिहा सी ना पूरे पिंड दे विच इहनू कोई अशरफ भट्ट नहीं सी कहंदा। कोई कहंदा सी अशरफ सिरी पाए, कोई कहंदा सी अशरफ कलैजी, कोई कहंदा सी अशरफ गुरदे। ओए सारियां इतनियां छेड़ा सन। ओए
और मैंने तुम्हें पहचान ही लिया है। मेरी कमर तोड़ दी है। तो फिकर करने की कोई लोड़ नहीं, फीका पहलवान हड्डी तोड़ता तो जोड़ता भी है। ओ जड़ी कैंप। और परिवार ऐसा बोलो, ये मेरा साला है। ऐसे उजड़ी कैंप बड़ा अच्छा नाम है भाईजान। अरे ये मेरी छेड़ है। अभी जाके मैं बाजी को बताता हूँ कि आपको सब गांव में उजड़ी कैंप कहते थे। परिवार तूने तो आते ही मेरी मार्केट डाउन कर दी है, शहर में मेरी बड़ी इज्जत है। अब नहीं रहेगी अशरफ गुर्दे। कौन है? अभी तो बताया ये मेरा साला है। और बहनों ही भी ये बताना जरूरी है। और गल सुनो साले, आज तो बात हुआ अशरफ नु गुर्दा, अशरफ कलेजी, अशरफ फिफरे, अशरफ सिरी पाए गया ना, तो तेरिया सारिया हड्डिया तोड़ देगा, तो बाद चो जोड़ा भी नहीं। समझ गया फीका भाई। और शाबाश। और खाला जी कितने ने? वो ऊपर अपने कमरे। पर कौन सा ऊपर है? वो माँ जी का पूछ रहे हैं। और चलो ठीक है, तुम्हारे लोग बाद चो तफसीली मुलाकात होगी, पहला खाला जी ने मिल लीए। हाँ मेरे नाल ठीक है। शगुफ्ता से कहे घर में मेहमान आया, उसकी रोटी पानी के लिए बंदोबस्त करे। ओ खाला जी पूरे महीने के लिए आया हूँ, इधर दंगल है ना। वैसे वो तो मेरा फाइव स्टार होटल दे विच उन्होंने रहायश का इंतजाम किया होया सी, पर मैं सोचिया खाला जी को वाला ना गया तो मेरा नाराज हो जाएंगे। चंगा कीता पुत्र, मेहमान ते अल्लाह दी रहमत होंदा है और रमजान बरकता वाला महीना है। ओ खाला जी तुसी कहो तो मैं होटल च भी ठहर सकना, पर पिंड दे विच तुहाडी बड़ी बिस्ती होनी जे। उन्हें कहना दुर्गाना भट्ट शहर जाके बिलकुल ही बदल गई है। पुत्र आराम ना रह जिन्ना तेरा दिल करता है। पर फीके एक गल का ख्याल रखिये, एक दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तीजे दिन बुलाए जान। खाला ये दी मजाक करन दी आदत नहीं गई। अशरफ सारा दिन घर में बैठा रहता है। हाँ? बड़ा सफर है तेरी किस्मत में भी भाई। क्या इसलिए ते तेरी तोंद निकल आई है? 15 दिन के अंदर फीका पहलवान वादा करता है मैं तेरी तोंद 0 मीटर कर देगा। तादी पुत्र कर दे। अच्छा पुत्र ए मुंह हाथ आंद बंदोबस्त कर, नाले ए सौन की जगह दस इन। मेरी नमाज के टाइम हो गया, मैं चलती। माँ जी तो आखिर नहीं मेरे लिए, माँ जी आपने खास तौर पे। यार तुहाडे सारिया का फिर रोज़ है, हुण फीका कल्ला खाना कोई चंगा नहीं लगदा, तुहाडे नाल ही हुण खावांगा। अशरफ कुछ सौन लई जगह दस, पर जगह खुली होनी चाहिदी, नाल ग्राउंड च सौ जा जाके। ऐसे मजाक किया, तो मैं ना छत पे सोऊंगा, छत पे। और छत पे सो जाऊंगा, मेरी टेंशन ना ले शहजादे, मैं पहलवान इंटरनेशनल हूं, पर बंदा आवामी हूं, जिथे जगह लबे सो जाइदा, जो लबे खा पी जाइदा। चला फिर छत पे छोड़ के आओ। चला जा, चल फिर अल्लाह के। बसको तुम्हें क्या जरूरत थी उससे पंजा लड़ाने की? डार्लिंग मैं कहां पंजा लड़ा रहा था, वो तो एक बात हो गई थी जिसकी वजह से मुझे उसे हाथ में लाना पड़ा। कौन सी बात? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अस्पू अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो ना। अरे मैं कहां तुमसे बातें छुपाता हूँ, मैं तुमसे बातें छुपाता हूँ ना तो मेरे पेट में मरोड़ होने लगती है। अस्पू यार प्लीज बताओ ना क्या बात है। वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगी। वादा अस्पू। वो पहलवान भाईजान के बचपन का दोस्त है। यार इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? अरे है। अच्छा फिर बताओ ना क्या बात है। भाईजान की मुझे बचपन की जड़ पता चल गई है। क्या? तुम्हें पता बचपन में भाईजान को लोग गाँव में क्या क्या चिढ़ाते थे? क्या क्या? अशरफ कलेजी, अशरफ गुर्दे, अशरफ सिरीपा, अशरफ ओजड़ी। उसके लिए जरा चाय वाय का बंदोबस्त करो। ठीक है, एक काम कीजिए ना, हमें जरा सिरी पाए ला दीजिए, हम उनके लिए बना देते हैं। शगुफ्ता बेगम, मेरा तो खैर रोजा है और मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, और अजफर से वो फीका पुलवान आप निबड़ लेगा। क्या हुआ अशरफ? हमने तो सुना है कि आपका दोस्त गुर्दे बहुत शौक से खाते हैं। अशफर ने तुम्हें बता दिया क्या? अशरफ तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं रोजे में गुस्सा नहीं करता हूँ। हम समझे नहीं अशरफ। मैं सब समझ रहा हूँ। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, एक बात बताइए, ये ओजड़ी कैंप कहाँ है? ओजड़ी कैंप मैं अभी अशफर को बताता हूँ कि ओजड़ी कैंप। अरे आप तुम यही बैठो,
मैं उसको बता के आता हूँ जड़ी कैंप कहाँ है। वाह जी वाह खाला जी, असली देसी घ्यो दे पराठे, मजा आ गया। हो चाहिए पुत्र। ओ खाला जी, मेरी खुराक अब्बा जी वाली तो है नहीं, वो तो एक साल दे विच 30 पराठे ते पूरा सालम बकला खा जांदे सन। मेरी जरा तबीयत खराब है, इसलिए खुराक घट खा रहा मैं। अच्छा पुत्र, शिकवता के कौन फीका और पराठे खाएगा? मां जी 10 पराठे खा चुका है फीका। और शर्म मजाक दी आदत छोड़ दे यार। जा पुत्र। और फीके और कितने पराठे खाएगा? 20 को बुलवा है यार। 20? और यार आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, खादा नहीं जा रहा, और की करा, रोजा रखना खाली पेट से नहीं ना रखा जा सकता। माँ जी मैं जरा किचन में एमरजेंसी नाफज करके आता हूँ। शगुफ्ता बेगम जी, आज ना बलवान जी की तबीयत खराब है, वो डाइटिंग पे है, इसलिए ना वो सिर्फ 20 पराठे और खाएगा। 20 पराठे? और यार भाईजान खुदा के लिए बस कर दे, उसके लिए पेड़ बना बना के मर गई हूँ मैं। ना बेबी ना, माँ जी कहती हैं पुराना अल्लाह की रहमत होता है, और पुराने को राशन खिलाने से ना राशन में कीड़े पड़ जाते, राशन में बरकत पड़ जाती है। अरे राशन बचेगा तब ना। अच्छा मैं माँ जी को जाके बताता हूँ कि राशन खत्म हो गया। नहीं भाईजान, अभी तक तो राशन है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जिस स्पीड से वो खाता है। जिनके बच्चे को आप लोगों ने घर में ठहराया है, वो तो जिस तरह से खा रहे लग रहा है पूरा मुंह खा जाएगा। ओए मैं तो ये सोच रहा हूँ असफर है, अभी तो उसकी तबीयत खराब है, अगर कहीं उसकी तबीयत ठीक होगी तो क्या होगा। भाईजान मैंने सुना है वो पूरा एक महीना यहाँ रुकने के प्लान से आया है। क्या जी? एक महीना? ओ हमारे खुदा। शगुफ्ता मुझे तो लगता है वो एक साल भी रह सकता है। अरे अगर वो एक साल रहे ना तो हम तो खाना पका पका के ही मर जाएंगे। बाजी आप पका पका के मरे या ना मरे, मगर हम लोग फाके से जरूर मर जाएंगे। वैसे वो है तो हमारा मेहमान ही ना, तुम ऊपर से आटे की बोरी ले आओ, मैं आटा गूंद देती हूँ, भाभी और पराठे बना देंगे। ओए श्री पुत्र के थे रह गए। आया भाभी आया। अरे भाई बस बहुत हो गया, हमसे नहीं पकते पराठे पराठे, हमारी टांगों में तो लग रहा है जैसे जान ही नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। और असबू तुम बाजार से ले आओ ना पराठे। पहलवान साहब की पहले से ही तबीयत खराब है, अगर बाजार के पराठे खा के बहुत बीमार हो गए तो सारा मलबा मुझ पे गिर जाएगा। सॉरी आई एम आउट ऑफ दिस। अरे बात तो हमारा भाई भी सही कह रहा है, और बेबी तुम्हारी बात में भी बहुत वजन है। अच्छा हम लोग सहरी कब करेंगे? जब पराठे बनाने से ना हमारी जान छुटेगी तब। सुनो मुझे चाय का कप और पराठे यहीं पे दे दो, मैं यही सहरी कर लेता हूँ, कल रोजा भी तो रखना है। असबू आई वाजंट टॉकिंग अबाउट यू यार, मैं भाभी की और अपनी बात कर रही हूँ, तुम जाओ जाके सहरी पहलवान जी के साथ करो। पहलवान जी के साथ? वो तो किसी को सहरी करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं भाई। और वैसे सहरी खत्म होने में टाइम कितना बचा है? पुत्र इतनी देर क्यों लग रही है? माँ जी पहला जो आटा गुनिया था ना वो तो गया मौका, अब नए फ्रेश पराठे बनाने के लिए दोनों मिलकर बेचारी आटा गुन रही है। कोई गल नहीं खाला जी, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेना, वैसे भी घाट वाली गल है, तुम पता तबीयत मेरी ठीक नहीं, खाता मेरे को इतना जानता नहीं, और शहर के माहौल ने भूख ही उड़ा दी है फर के। एक मेहमान घर में आ गया, तुम सारे परेशान हो गए हो, और मैं पिंड ना पूरे बारात का खाना बनाया करती थी कल ही। जी पहलवान भी ना अपने साथ में पूरी बारात है, बल्कि अंजुमन है। बिल्कुल सही है बाबू अशरफ, गुजरा वाले शहर के सारे बंदे मुझे कहते हैं पहलवान अपनी जात में अंजुमन है। तू अंजुमन बन तो मैं फिर सुल्तान राही बन जाना किसे आए। बंदर की डुग डुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुग डुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुग डुगी है। आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुग डुगी है। बंदर की डुग डुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुग या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और कुछ चाहिए पुत्र? वैसे सब कुछ बुक गया है। और बस खाला जी और मैं सोना है, वैसे परजाई दे हाथे च बड़ा जायका जे। बहुत अच्छी गल है पुत्र। वैसे खाला जी मेरा एक असूल है, रोजा अद्धा पेट खाली रख के मैं रखना, बात दसवीं नहीं होंगी, मैं बड़ा असूल का पक्का आदमी हूँ, दुनिया इधर तो इधर इधर तो इधर हो जाए पर मैं असूल तो नहीं हटवा। एक सौ आठ, एक सौ नौ, एक सौ दस, ले दस पलवान बस मेरा रोजा है। और रोजा ते मैं भी रखे, मैं तो नहीं थकिया, और नकारा दमा तू तो नहीं थकिया? नहीं जी
मैं नहीं थका। और शाबाश है अशरफ, शाबाश है। और 200 उठ का बैठ का तो बाद 200 डंड भी पेलने ने। आज तेरा मैं टेड 0 मीटर कर देना। नहीं बलवान नहीं, अब मेरी लाश ही उठक बैठक करेगी। नहीं भाई जान, हिम्मत करे हिम्मत। और शाबाश है अशरफ, शाबाश है। तू तो पिंड पूरे दी बिस्ती करा रहे है, पूरे पिंड दी इज्जत दा सवाल है, शाबाश शुरू कर। और नहीं पलवान नहीं, अब मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे मलकुल मौत की तस्वीरें दिखाई दे रही। ओके हो गया अशरफ ओजरी। पानी अजफर पानी, मेरे मुंह में आखिरी बूंद पानी की टपका दे। भाई जान उससे तो आपका रोजा टूट जाएगा। और जिंदगी रही तो कफारा अदा कर दूंगा। ओ बड़ी जलाना तबीयत है भाई अशरफ तेरी। अजफर है मुझे अंदर ले चल, मैं ना एसी में सुकून से मरना चाहता हूँ। हम तो अपनी मर्जी से बाहर एक्सरसाइज करने गए थे, हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। खाला जी थोड़े मुंडे दिया तबीयतां भी बिल्कुल जिन्होंने वर गई है। मर्द नु कम अज कम ना मर्द होना चाहिए मर्द। शायद या खराका खाका के अंदर खट ले हुए पहन। अफी के तुझे क्या जरूरत थी इनको तुप में वर्जिश कराने की। पानी अजफर एक गिलास पानी। फिर वो तेरा, वो इसको इसके कमरे में लेकर जा। अजफर अजफर मुझे चुक के ले जा, चुक लेना। हाँ भाई जान, इसे जा जा। शगुफ्ता हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको तो हम माफ कर ही देंगे अशरफ, लेकिन उस पहलवान को किसी कीमत माफ नहीं करेंगे। भाईजान प्लीज आप उस पहलवान को हमारे घर से बाहर निकालें, उसकी वजह से हम सब लोगों की जान को खतरा और मेरे हाथों में भी अभी तक दर्द है। मैं भी यही सोच रहा था, मगर ये सोच के खामोश हो गया कि वो आपका रिश्तेदार है। पहलवान को इस घर से निकालो। कैसे निकाले? धक्के दे के। और ये धक्के देगा कौन? तू। सॉरी मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डार्लिंग सबको अपनी जान अजीज होती है और मुझे भी अपनी जान बहुत अजीज है। यहाँ पूरे खानदान की जान का सवाल है। अल्टिया आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर फोन कौन करेगा? तू। सॉरी मैं रोजा रख के झूठ नहीं बोल सकता। अरे इधर आओ, हम करते हैं। फोन दो। फोन दो। अच्छा वाइब्रेट तो लगा है। हेलो हेलो, पछाड़ा क्या नहीं पछाड़ा? ओए हम, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। कौन शगुफ्ता? ओए अशरफ की बीवी। और कौन है? और कौन अशरफ? ओए गोली मार अशरफ को। हमने तो ये, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया है कि तेरी बीवी फौत हो गई है। फोटो फट पिंड पहुंच। मेरी जनानी परी जवानी दे विच मनु चढ़ के कले डर गए। नीचे चलो, चलो चलो नीचे चलो। मैं मेरी बीवी मर गई, मैं बेवा हो गया। अशरफ कलेजी तेरी भरजाई मर गई। अरे हमें पता है। पहलवान जी आपको तो जाना होगा, शालीमार एक्सप्रेस थोड़ी देर में जाने वाली है। अरे पुत्र ये पैसे रख ले और रास्ते में कुछ खा ले, भूखा ना रही। अशरफ मेरा सामान मंगा दे यार। आपका सामान तो दरवाजे के पास रखवा दिया है, आपकी गाड़ी ना लेट हो जाए इसलिए। अच्छा मिल रहा है।
गया नहीं। ओ बड़ा घटिया मजाक मेरे नाल कीता भाई किसे। ओ की ओ मैं बाहर पैर रखे ही मैनू याद आया मेरा